बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो, और रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। जैसे आप लोग जानते हैं, जुमे का दिन आज, और जुमे के दिन ज़्यादा न्यूज़ वगैरह शेयर नहीं होती। जो हमने कहा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएँ, इंशाल्लाह वो भी देंगे, कुछ जो न्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। एक न्यूज़ शेयर हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जो स्टेटमेंट शाया की गई है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक वैक्सीन के हवाले से नए सेंटर्स बनाए गए हैं मस्कत के अंदर, और इसमें जो ओमानियों के लिए आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए हैं। खारजियों के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ ये सेंटर्स बनाए गए हैं, और इतवार से इंशाल्लाह मस्कत के आस पास के इलाकों के अंदर इन सेंटर्स के अंदर आप लोगों को वैक्सीन का अमल मुकम्मल करवाया जाएगा। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। आखिरी टचिंग में इंशाल्लाह अज़ जल्द सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वैक्सीन का मरहल, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ओमान के अंदर तमाम लोगों को वैक्सीन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके अलावा जो आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब है, उसके ही हवाले से मैंने एक जनरल वीडियो बनाई है। सबसे पहले आउटपासेस के हवाले से पूछते हैं, तो भाई आउटपास के हवाले से बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से तस्दीक की गई है कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक जो आउटपासेस हैं वो ओपन है, और जिन लोगों के बन जाएंगे इस दौरान, इस अरसे के दौरान, वो 31 जनवरी 2022 तक अपने अपने वतन लाजमी जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को फ़ाइन वगैरह पे करके जाना पड़ेगा। तो आप लोग को सवाल आते हैं, अजीम भाई कहाँ से बनवाएं? सनत ऑफिस जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जाएं, वहाँ से तस्दीक वगैरह करवाएं, इंशाल्लाह वहाँ से आप लोगों के आउट पासेस बन जाएंगे। ये भी तस्दीक की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। वीज़ा के हवाले से पूछते हैं दोबारा से, तो भाई वीज़ा तमाम ओपन है सल्तनत ऑफ ओमान के। कहते हैं कि अजीम भाई ये वीज़ा हमें नहीं मिल रहा, ये प्रोसेस लेट हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। तो भाई रिजेक्ट जो आपके विज़िट वीज़ा वगैरह वही ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग वीज़ा और ये वो तमाम इंशाल्लाह मिल रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलते रहते हैं। अपने तमाम दस्तावेज़ात वगैरह पूरे होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। बाकी आप लोगों के नसीब है, तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पैनल के ऊपर हैं, ओपन है। इसके अलावा कुछ बहनों के और भाइयों के सवाल आते हैं रैपिड टेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान पहुँचने के बाद रैपिड टेस्ट के कोई पैसे वगैरह नहीं, भाई कोई पैसे वगैरह नहीं है। और ये भी कुछ सवाल आए हैं कि जिम भाई 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर के बाद, जैसे जब 100% फ्लाइट्स हो जाएगी तो क्या रैपिड टेस्ट ख़त्म हो जाएगा? इसके हवाले से भी कोई अपडेट्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है उनके स्टेटमेंट के अंदर अभी रैपिड टेस्ट होगा। तो ये सर्सरीज है, इसमें कोई डरने परेशानी की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही हल्की सी सिलाई मार के आपका एक सर्सरीज का एक रैपिड टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोगों को रिलीज़ कर दिया जाता है। बाकी पास ट्रैक के हवाले से पूछते हैं, इंशाल्लाह कल मैं वीडियो लाजमी बनाऊंगा। अभी हम आए हैं पाकिस्तान नए नए, तो घूमने फिरने और ये वो लोगों के उसमें तो लगे हुए, इसलिए वीडियोस वगैरह मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहा। इंशाल्लाह उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह वो मैं तमाम जो तरीकाकार है आप लोगों को बताऊँगा। तो ये कुछ अहम सवाल थे आप लोगों के वीज़ा के हवाले से और मेन आउट पासिस के हवाले से। तो भाई ओपन आउट पासिस, वीज़ा भी ओपन है, और इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।